वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का क्लास में होगा प्रिंसेस कट पैटर्न। प्रिंसेस कट पैटर्न कैसे बनाते हैं, एक डार्ट पैटर्न। फर्स्ट क्लास में जो हमने बनाए थे जो डार्ट पैटर्न, तो डार्ट पैटर्न से हमने निकालेंगे प्रिंसेस कट पैटर्न। और सेकंड क्लास में हमने देखे थे जो विदाउट डार्ट पैटर्न। तो ये दोनों डार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पैटर्न का आप टेक्निक सही से समझ जाइए तो इसके ऊपर ही पूरा का पूरा जो कंप्लीट कोर्स होगा, ये दो पैटर्न से ही, एक डार्ट एक विदाउट डार्ट। तो तरह तरह की डिजाइन, तरह तरह की जो पैटर्न काटता है, तो ये डार्ट वाला पैटर्न और विदाउट डार्ट पैटर्न से। तो आज के क्लास में हम देखेंगे जो प्रिंसेस का पैटर्न कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। आज हम बनाएंगे ये वाला प्रिंसेस का पैटर्न, जो ये है उसकी ड्रेस। तो चलिए बनाते हैं। तो ये वाला बेस पैटर्न पहले बनाया था, उसके बाद कटआउट किया था हमने ये दो पैनल, जो बैक, ये है बैक, जो ये है बैक और ये है फ्रंट। तो चलिए आज हम प्रिंसेस कट इसी पैटर्न से ही निकालते हैं। अच्छा, पहले हम इसको बिल्ट करके, हम कॉपी करके निकल लेंगे बिल्ट, और एक बार क्लिक करेंगे, बी फॉर बिल्ट होता है। अच्छा, ये दो पैटर्न को निकल लिया। अब ये दोनों को साइड कर देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ। सो गाइस देखिए, डी फॉर ड्रॉप टूल लिया हमने, ठीक इसी पॉइंट के ऊपर हम रखेंगे, फिर हमने ये चीज ड्रॉ करेंगे कैनवास। अच्छा, फिर इसी पॉइंट से हम मिलाएंगे, अच्छा अब बैक को भी बना लेता हूँ। बैक का पॉइंट जो है ठीक इसी जगह पे लाके आपको एंड करना है। जो लोग मैनुअल करोगे वैसे ही आप ड्रॉ ड्रॉ कर लीजिएगा। इस डार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। डायरेक्ट डिलीट बटन। बैक स्पेस से हमने इरेज़ टूल ले लिया। अच्छा, और एक रह गया ये वाला। अच्छा, इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोग जब बनाओगे तो हर वक्त जितना क्लास बनेगा तो उसी टाइम ये चीज आप बना लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जो डार्ट वाला देखो, हमें क्या होता है, जो हमारा जो सेव रहता है फाइल में, उसी सेव से हम उसी फाइल से हम निकल के फिर डायरेक्ट उसी जगह से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जो लोग बिल्कुल नया है वो लोगों को बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब ये है, जो डार्ट वाला पैटर्न जितना काम होगा ना, तो पूरा का पूरा बेस को पहले बनाते जाइए। जैसे ये प्रिंसेस कट आपके पास मान लो फाइल में सेव है, फिर भी आप इस चीज को बना लो एक बार। बनाने से क्या होता है, तो आपका ये चीज को रिपीट भी हो जाएगा, अगेन रिपीट होगा, अगेन रिपीट होगा। तो इसमें क्या होता है, आप भूलोगे नहीं, जल्दी से बना लोगे। तो प्रैक्टिस के प्रैक्टिस भी हो रहा है और आपका काम से काम भी, हर एक डिजाइन भी निकल रहा है। जैसे हमने ये किया कि क्योंकि मेरा डेस्कटॉप पे ये पहले फाइल सेव कर रखा था, पहले यहीं पे जो है ये जो फाइल हमने सेव रखा था, तो हमने डायरेक्ट वो फाइल से हम ओपन किए। तो ओपन करने के बाद हमने फिर इस चीज को निकाल दिया।
ये हमारे लिए चलो ठीक है, मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी अगर बनाऊँ तो ये बेस पैटर्न ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, क्योंकि हमें हर एक फॉर्मूला हर एक सेंटीमीटर पता है। लेकिन आप लोग जब नया नया प्रैक्टिस करोगे, ये बार बार इस चीज़ को रिपीट करना, बार बार इस चीज़ को बनाना, क्या आ जाए। अगर एक प्रिंसेस कार्ड बनाना है और एक पहले ये बेस बना लो, कितना टाइम लगेगा। इसमें बनाने से क्या होता है, आप देखोगे जितना पहले बनाते थे ना, एक दो क्लास में आपने जब स्टार्ट किए थे, तो धीरे धीरे इस चीज़ को आपका हैबिट बनते जाएगा और क्विकली बनते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के आप प्रैक्टिस करना, जितना ही डार्ट वाला पैटर्न का हो तो उतनी बार डार्ट वाला बेस बना लेना, उसके बाद विदाउट डार्ट का जो इतना पैटर्न बनेगा तो फिर विदाउट डार्ट वाला बेस बना लेना। ठीक है, तो इसमें आपका ही एक बेनिफिट होगा, जो आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, इगेन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, चलो इस चीज को हमने बिल्ड करके निकाल लेता हूँ। ठीक वैसे ही है जैसे मैनुअल करोगे, ठीक इसी तरह आप लोग मैनुअल करोगे। ये पार्ट पार्ट हमने निकाल लिए, इस चीज को रख देता हूँ। ठीक है, समझ गए। हमने पहले ये वाला बेस बनाए थे, उसके बाद इस चीज को निकल लिया। देखो इसकी डार्ट छोटा है बहुत, इस तरफ भी है, इस तरफ लॉन्ग है, इस तरफ छोटा है, तो उस चीज से हमने एक बिल्ड करके निकल लिया ये वाला पैटर्न। अब इससे हमने फिर ये काट पैनल बना लिए। अब देखो इस चीज को हम सेव देंगे, ये हल्का सा जो सेव है, देखो पहले ये काट करके निकल लिया कैसे काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इस चीज को हल्का सा सेव देंगे। सेव देने से क्या होता है, आपका फिटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे रख सकते हो, लेकिन ये हल्का सा ये जो कर देने से ये फिटिंग बहुत बारीकी से फिटिंग जो होता है बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगा। ठीक है, बैक का भी, बैक पैनल का भी वही है। ठीक है, ये पहले बना लिया, उसके बाद इसको सेव दिया, सेव देने के बाद इसे फाइनल रेडी हो गया। ओके, तो अच्छा और एक चीज देख लेना, इस जगह पे देखो ये हल्का सा उठा हुआ है, हल्का सा उठा हुआ है, ये क्यों है। ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट को सही से गौर करना, ये वाला पॉइंट है आपका डार्ट, मतलब जो बास्ट पॉइंट होता है, जो बास्ट पॉइंट का ही ये वाला पॉइंट है। तो हम इस जगह पे सेव देंगे, क्योंकि इस जगह पे हम सेव नहीं देंगे, हालांकि हमने काटा था इस जगह पे, लेकिन हम सेव देंगे इस जगह पे, समझ गए। अच्छा, उस जगह पे हमें देने के लिए एक, अच्छा इस पॉइंट से तो हम दे सकते हैं इंटर माइनस 8 सेंटीमीटर लिया था, तो 8 सेंटीमीटर का अगर 4 सेंटीमीटर इस जगह पे आ रहा है, तो हम इसी जगह पे सेव देंगे। ठीक है, मैं और एक बार बता देता हूँ, जैसे ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने कितना रखा था, 8 सेंटीमीटर का गैप, या फिर 7 सेंटीमीटर का, ठीक उसी के बेस सेंटर पर इंटर माइनस 4, अच्छा इसमें तो 7 रखा था, चलो कोई नहीं, जितना है ये दोनों पॉइंट के बेस सेंटर में हम रखेंगे। अब देखो इस जगह पे ये जो फाइल में जो है, ये जो पॉइंट है, ये वाला कर्व वाला ये पॉइंट, ये है बास्ट पॉइंट, तो हमारा इस जगह पे वही चीज बनाएंगे, हल्का सा उठा, हल्का सा मतलब उठा हुआ हिस्सा रहेगा। अच्छा, हम फिर इस जगह पे 4 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, अब इस चीज को डिलीट कर दो और इस पॉइंट को भी डिलीट कर दो। अच्छा, कंट्रोल और जी गाइडलाइन का काम हो गया। अच्छा, अब इसको हल्का सा सेव देंगे। इस चीज को चाहे तो आप
कार्ड बना दो। ये वाला इसमें इसको हल्का सा सेब दे दो। चलो तो ये हो गया। अब ये तो बिल्कुल सीधा रहने दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बैक वाला पैनल को हल्का सा कार्व, बैक वाला पैनल को हल्का सा कार्व करेंगे। अच्छा, कार्व करने के लिए और एक चीज देखना, बैक में इस जगह पे डार्ट था तो हमारा बैक बैक पैनल पे जब हम कट आउट करेंगे ये वाला डार्ट हम बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। अच्छा ठीक, इसकी बेस सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे जो 6.75, 13.5 सेंटीमीटर का, देखो 6.75 दोनों तरफ आ रहा है। अब इस चीज को हमने एक काट लगाएंगे इस जगह से इस जगह पर। अब इस चीज को हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन के लिए जे जे नीचे की तरफ से हम करेंगे ज्वाइन। अब देखो बैक वाला पैनल कैसे कितना अच्छे से निकल गया। अब इस चीज को बेस लाइन को हमने सीधा करेंगे। ठीक है, प्लस प्लस। अब इसको हम सेप देंगे, इस टाइप का हल्का कार्व देंगे। ओके, चाहे तो आप इस पॉइंट से भी आप हल्का सा कार्व ले सकते हो और इस पॉइंट से भी आप ऑटोमेटिकली आ ही गए ये वाला सेप। तो मेरा ये वक्त पैनल बिल्कुल रेडी हो गया। तो जितना पैटर्न अब हम बनाएंगे, जितना डिजाइन हम बनाएंगे, सब वैसे ही हम निकाल लेंगे। जो एक डार्ट वाला अगर पैटर्न निकालना है तो डार्ट पैटर्न से ही हम, डार्ट बेस पैटर्न से ही हम निकाल लेंगे, और विदाउट डार्ट पैटर्न से जितना डिजाइन है तो विदाउट डार्ट पैटर्न से हम निकाल लेंगे। तो ये होता है टेक्निक। तो ऐसे जितना डिजाइन क्रिएट होगा, जितना डिजाइन बनेगा, वैसे ही आपका ये बनते जाएगा। हाँ, डिजाइन पे ये दोनों बेस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार कह रहा था, जो दोनों डार्ट और विदाउट डार्ट, ये दोनों पैटर्न का टेक्निक सही से आप समझ जाओगे, कोई भी चीज आप आसानी से बना लोगे, क्योंकि यही होता है मेन चीज। ठीक है, तो पहले भी हमने दिखाया था, तो और भी देखो ये सब। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, 25 देखो, इस पेज पर भी देखो वही है, डार्ट बेस पैटर्न से ये वाला पैटर्न निकाल लिया गया। ठीक है, ये देखिए डार्ट पैटर्न से ये सब चीज तरह तरह की डिजाइन निकलता है। और भी आगे चलते हैं, ये वाला रेगलान स्टाइल, ये डार्ट जो बेस पैटर्न है उसी से ये वाला रेगलान, ये वाला ड्रेस बन गया है। वैसे ही है ये वाला,
तो हर एक चीज जो है, थोड़ा सा आगे चलता हूं, देखता हूं। ये साठ, ये है विदाउट डाट पैटर्न से, ठीक है। और डाट वाला भी होगा शायद, ये वही है, ये है डाट वाला जो फिटिंग होता है, फिटिंग वाला साठ होता है, वो आता है आपका डाट पैटर्न से। और जो थोड़ा सा लूज रहता है, ये है थोड़ा सा जो लूज ड्रेस है, ये है विदाउट डाट पैटर्न से, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा फिटिंग है, तो ये डार्क पैटर्न से। तो ऐसे बहुत सारा डिजाइन निकल के आता है, लेकिन आप लोग इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो डार्क और विदाउट डार्क पैटर्न सही से समझ जाना, तो उससे ही तरह तरह के डिजाइन निकल के आता है, ठीक है। इस टाइप का टी शर्ट भी है, तो बहुत सारा डिजाइन ये भी है, सब डार्क बेस पैटर्न से ही सब निकल के आया। ऐसा ये नहीं है जो ये अलग अलग से पैटर्न डिजाइन कर रहा है, या फिर अलग से सेंटीमीटर, या फिर कुछ पॉइंट की अलग, ऐसा कुछ नहीं है। जो हर एक जो डिजाइन बनता है, सब बेस पैटर्न से ही बनता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बेस पैटर्न, मतलब दो बेस पैटर्न, एक डार्क एक विदाउट डार्क बेस पैटर्न को बना लो, उसके बाद हर एक डिजाइन उसी से कॉपी करके आप निकाल लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तो इसी टेक्निक पे काम कर रहे हो, काम सीख रहे हो, तो कैसा लग रहा है, कैसा समझ आ रहा है, या फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कैसा लग रहा है, तो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा फ्री में, जो इटालियन टेक्निक पे हम काम करेंगे, जो कि और किसी इंस्टीट्यूट पे भी आपको नहीं मिलेगा, और ना ही किसी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ठीक है। ये टेक्निक आप काम करो, ठीक है। एक दो चार क्लास में शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दो चार क्लास जब आप बनाओगे, जैसे हमने ये चीज प्रिंसेस कार्ड हम बनाए थे, कितना टाइम में बना? बहुत शॉर्ट टाइम में। अगर ये मैंने चुपचाप काम करता तो दो दो 3 मिनट का काम है। बेस पैटर्न से हमें सिर्फ निकल के पॉइंट को थोड़ा सा हल्का मूव करो, और थोड़ा सा कार्व दे दो, तो ये बन गया, ठीक है। कितना ईजी है। तो मेन बेस पैटर्न को अगर सही से समझ जाओगे, तो आगे के लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए गुड बाय।